नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में छोटी बड़ी सभी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए वेयर हाउसिंग हब, कोल्ड चैन और पैकेजिंग यूनिट को भी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। जल्द ही दिल्ली NCR और वेस्ट UP के कारोबार को रफ्तार मिलने वाली है। 15 घंटे के अंदर आपको बुक कराया सामान देश के किसी भी हिस्से में पहुंच जाएगा। इसके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने पर काम चल रहा है। काम में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए इसके लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए और जारी कर दिए हैं। दुबई और सिंगापुर पोर्ट की तर्ज पर इनलैंड कंटेनर डिपो की नींव भी रखी जा रही है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा में लगभग बंद पड़े बुड़ाके रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। इसे दिल्ली हावड़ा वाले रेल ट्रैक से जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जुड़े अफसरों की माने तो अब तक केंद्र सरकार की ओर से लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए 850 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त अभी हाल ही में मिली है। अब तक 227 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। यह दोनों अब बोड़ाकी रेलवे स्टेशन के पास बनेंगे। यह स्टेशन ग्रेटर नोएडा में है। इन सभी रेल लाइन को दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। कोल्ड चैन और पैकेजिंग के काम को करने के लिए भी प्लेटफार्म तैयार किए जाएंगे। वेयर हाउसिंग हब के लिए भी जगह छोड़ी जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 800 एकड़ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाई जाएगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की हिस्सेदारी के साथ ही प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली दो कंपनियां भी अपना हिस्सा लगाएंगी। जानकारों के मुताबिक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन जाने से ग्रेटर नोएडा में कंपनियों की बाढ़ आ जाएगी। ट्रांसपोर्ट हब जिले में पहले से मौजूद बोड़ाकी रेलवे स्टेशन पर बनेगा। इसी स्टेशन के दूसरी तरफ इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण भी किया जाएगा। साथ में एक मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा जिसमें कि 1500 से 2000 करोड़ का निवेश अथॉरिटी की तरफ से किया जाएगा। बाकी निवेश भारत सरकार करेगी। वहीं 12000 करोड़ का निवेश कुछ समय बीत जाने के बाद प्राइवेट सेक्टर करेगा। इन दो प्रोजेक्ट से लगभग 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।